नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। किलों से जुड़ी हुई श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के शानदार जैसलमेर किले के इतिहास की। वैसे तो भारत में कई ऐसे ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिन्हें उनकी अद्भुत बनावट और अनोखी वास्तुशिल्प सुंदरता के चलते विश्व धरोहरों की लिस्ट में शुमार किया गया है। वहीं ऐसा ही एक किला राजस्थान में और है जो जैसलमेर का किला कहा जाता है, जो अलग अलग विशेषताओं की वजह से जाना जाता है। ये किला दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है जो अपनी बनावट, कुछ खासियतों और सुंदरता के कारण पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। इस किले के अंदर बेहद आकर्षक और खूबसूरत हवेलियां, बड़े बड़े बने हुए भवन, व्यापारी और सैनिकों के सुंदर आवास परिसर और भव्य मंदिर इस किले को एक अलग ही पहचान दिलाते हैं। जैसलमेर का ये भव्य किला इतिहास के कई लड़ाइयों का भी गवाह बन चुका है और इस विशाल किले में आजादी के बाद साल 1965 से 1971 के बीच हुए भारत और पाक युद्ध के लाखों लोगों को संरक्षण देकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी किया था। यही नहीं, जैसलमेर का ये किला अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसलमेर का किला भारतीय, इस्लामी और फारसी वास्तुकला का बेजोड़ सम्मिश्रण है। इस किले को पीले रंग के पत्थर और पीली रेत से निर्मित किया गया, जो इस किले को पीला और सुनहरा रंग देने के कारण सोने की तरह चमकदार बनाता है। इस किले को गोल्डन फोर्ट या सोनार दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अपनी सुंदरता, अपनी भव्यता की वजह से यह राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। वहीं इतिहास में इस किले का अपना ही एक अलग महत्व है। तो चलिए आइए जानते हैं इस किले के बारे में। तो भारत का ये विशाल किला जैसलमेर का किला राजस्थान के जैसलमेर के थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर बना हुआ है। इस किले को 1156 ईस्वी में एक राजपूत योद्धा रावल जैसल द्वारा बनवाया गया और यह किला महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक लड़ाइयों का सबूत भी है। हालांकि इस किले के निर्माण को लेकर के कई ऐतिहासिक घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इतिहासकारों की माने तो सुल्तान उद्दीन मोहम्मद ने अपने प्रदेश को बचाने के लिए राजपूत शासक रावल जैसल को अपने षड्यंत्र में फंसा लिया और उन पर आक्रमण करके उनके किले पर अपने डोरे डाल करके इसे लूट लिया था। इसके बाद ही उन्होंने इस किले में रह रहे लोगों को जबरन बाहर निकाल दिया एवं उस किले की पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद सम्राट जैसल ने त्रिकुटा के पहाड़ पर एक नया किला बनाने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने पहले जैसलमेर शहर की नींव रखी और फिर उसे अपनी राजधानी घोषित किया। हालांकि इसके बाद भी राजा जैसल इस किले पर अधिकार नहीं कर सके। दरअसल 1293-94 ईस्वी में राजा जैसल का उस समय दिल्ली के सल्तनत संभाल रहे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष हुआ, जिसमें राजा राजपूत रावल को पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं उनकी इस हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर के किले पर कब्जा कर लिया और करीब 9 साल तक अलाउद्दीन खिलजी इस किले पर अपना शासन करते रहे, जिसके बाद जैसलमेर किला का दूसरा हमला मुगल सम्राट हुमायूं के द्वारा 1541 ईस्वी में किया गया। वहीं राजा रावल ने मुगल शासकों की शक्ति और ताकत को देखते हुए मुगलों से दोस्ती करने का फैसला कर लिया और मुगलों के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने के लिए राजा रावल ने अपनी बेटी का विवाह मुगल सम्राट अकबर के साथ करवा दिया। इस किले पर 1762 ईस्वी तक मुगलों का शासन रहा। फिर इसके बाद जैसलमेर के किले पर महाराज मूल राज ने अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। वहीं 1820 ईस्वी में मूल राज की मौत के बाद उनके पोते गज सिंह ने जैसलमेर के इस भव्य किले पर अपना अधिकार जमाया। जैसे ही भारत में ब्रिटिश शासकों ने अपना शासन चलाया, वैसे ही बॉम्बे बंदरगाह पर समुद्री व्यापार शुरू किया गया और ऐसे में बॉम्बे ने तो खूब तरक्की की, लेकिन जैसलमेर की हालत और भी ज्यादा बद से बदतर होती चली गई। आजादी के बाद
भारत पाक के बीच बंटवारा हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से अपने नापाक इरादों के साथ हिंदुस्तान पर पहले 1965 और फिर 1971 में हमला कर दिया। हालांकि इस युद्ध में भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया। जैसलमेर की पूरी आबादी को इस भव्य किले के अंदर भेजने का फैसला लिया गया। दरअसल ये किला इतना भव्य और विशाल है कि इस किले में उस समय करीब 4000 से ज़्यादा लोग आ सकते थे। तो इस तरह जैसलमेर के किले ने भारत पाक के बीच हुए युद्ध में लोगों को शरण देकर उनकी जान की रक्षा करके अपनी महानता का स्पष्ट उदाहरण दिया। जैसलमेर के स्थित इस किले में न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि यह अपनी अनूठी और बेजोड़ वास्तुकला के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। इस किले का निर्माण भारतीय, इस्लामी और फारसी वास्तुकला के सम्मिश्रण से किया गया है। वही बात करें, दिन में सूर्य की रोशनी जब इस किले पर पड़ती है तो यह सोने की तरह चमकता है, और इसीलिए इसे गोल्डन फोर्ट या सोनार दुर्ग के नाम से भी मशहूर किया गया है। वहीं इस किले की खूबसूरती को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों पर्यटक आया करते हैं। 76 मीटर ऊंचे इस विशाल जैसलमेर दुर्ग की लंबाई 260 मीटर और चौड़ाई 230 मीटर है। इस किले में 4 भव्य और विशाल प्रवेश द्वार हैं, जिसमें से एक द्वार पर तोपें भी लगी हुई हैं। वहीं इस किले में बना भव्य राजमहल, सुंदर सुंदर हवेलियाँ, विशाल मंदिर इस किले में 4 चांद लगाते हैं। इस विशाल किले में बने हवेलियाँ इमारत बहुमंजिला है, जिसे शाही अंदाज से बनाया गया। इस किले की खिड़की और दरवाजों को भी बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसमें आकर्षक कलाकृतियां हैं। इसके साथ ही साथ कई हवेलियां इसके आकर्षक की वजह से म्यूजियम में तब्दील हो चुकी हैं। इसके साथ ही इस किले के अंदर एक विशाल लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। मंदिर में बने चित्रों में प्राचीन परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करते हैं कि शानदार किले तक पहुंचने की, अगर आप घूमना चाहते हैं तो कैसे पहुंचे, तो आपको बता दें जैसलमेर के किला तक सड़क, रेल और वायु तीनों मार्गों से पहुंचा जा सकता है। यह तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहां तक पहुंचने के लिए कई निजी और सरकारी बस सेवाएं उपलब्ध है। यहां 2 मुख्य स्टैंड बने हुए हैं। इसके अलावा कई ट्रेन जैसलमेर के रास्ते से जाती हैं, जिससे पर्यटक बड़े ही आसानी से यहाँ पर अपने निजी वाहन या सार्वजनिक वाहनों से पहुँच सकते हैं। जैसलमेर का भव्य किला न केवल इसके ऐतिहासिक महत्व की वजह से प्रसिद्ध कहा जा सकता है, बल्कि अपनी अनूठी बेजोड़ वास्तुकला के कारण भी पर्यटकों को विशेष तौर पर आकर्षित करता है। इसी तरह किसी और किले की अनोखी, अनूठी और बेजोड़ कहानी को लेकर के हम आएंगे आपके पास। तब तक के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ, देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।